हेलो गाइस, वेलकम टू दी अहमद व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए अपने एक नए चैनल की स्टार्टिंग कर रहा हूं, जिसमें आज से हर संडे मैं आपको कानपुर के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इसको विजिट कराऊंगा। तो आज का मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया है कानपुर के बहुत ही फेमस एंड ओल्ड हिस्टोरिकल प्लेस बिठूर से, जिसमें आज मैं आया हूँ। सबसे पहले जो ये प्लेस है इसका नाम है नाना राव पेशवा पार्क। ये बिठूर का एक हाईली फेमस पार्क है, जो कभी बिठूर के किंग जो रहा करते थे, या जिनको आप कानपुर का भी किंग कह सकते हो, नाना राव पेशवा, और ये उन्हीं के टाइम का वो किला था, जिसको बाद में, क्योंकि आपको पता होगा 1857 में पहली क्रांति हुई थी आज़ादी की, जिसकी नींव कहीं ना कहीं कानपुर से ही स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद जब मंगल पांडे का केस आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जिसमें उन्होंने जब आर्मी के अगेंस्ट ही उठे थे, तो सबसे पहले उनको यहीं से समर्थन देखने को मिला था, क्योंकि ये वो लोकेशन है जहाँ से झांसी की रानी निकली हैं, क्योंकि उनकी परवरिश जो हुई है पूरी यहीं बिठूर की थी। जो नाना राव पेशवा हैं उनके यहाँ ही उनकी परवरिश हुई थी, और हालांकि वो यहाँ की पैदाइश नहीं थी, लेकिन उनकी पूरी परवरिश यहीं हुई। जैसे ही उनकी विवाह झांसी के राजा के साथ होता है, तभी वो वहाँ से झांसी की रानी बन जाती हैं। और बचपन में उनका नाम यहाँ पर मनुबाई था। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं, ये पूरा ही लोकेशन पार्क की ही लोकेशन है, ये जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये पूरा हिस्सा बना हुआ है। तो चलिए अभी हम देखते हैं पार्क के बारे में। अब ये है यहाँ का आपका किला, जिसको कभी ये किले के नाम से आना था। तो अब ये है आपका, ये एक पर्यटन स्थल सिंगल चालीस चालीस इंक्लूडिंग बाइक 10 बाइक। म्यूजियम खुला है बंद है? म्यूजियम के अंदर ही से यहीं से इसी में। तो ये 40 रुपीस का टिकट है, जिसमें 30 रुपये मेरे हैं। जी म्यूजियम की फोटो लेना बना है, बाकी बाहर आप। जी जी ठीक है। जैसा कि मैं बता दिया कि म्यूजियम के अंदर हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो बाकी हम अभी पार्क देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है टिकट बाइक पार्किंग का, और ये आपका म्यूजियम और पार्क है। इसलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम ये आप देख सकते हैं महाराण वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, और ये उनका स्टैचू जीवन है। ये है पूरा उनका स्टैचू, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ घोड़े पर बैठे हुए हैं, और यही वो उनका हिस्टोरिकल मूवमेंट है जिसमें उन्होंने सारे काम किए थे। फिर इनके बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 में बनारस में हुआ था। पिता जी का नाम था मोरोपन तांबे, माता जी का नाम था भागीरथी बाई, और बचपन में इनको मनुबाई के नाम से जाना जाता था। 4 वर्ष की अवस्था में पिताजी के साथ पेशवा महल में आई थी, यहीं पे ये महल था जो आज एक पार्क बन के रह गया है। यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी महारत हासिल करी थी युद्ध कौशल की और अस्त्र चलाने की, तात्या टोपे जी से। वहीं पर जो इनका विवाह राजा गंगाधर राव जी के साथ हुआ था, और तब से ये बिठूर से निकल कर सीधे पहुँच गई थी झांसी, और फिर वहाँ की ये रानी कहलाई थी। 19 जून 1858 में ग्वालियर की धरती पर ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो वीरता दिखाई, उससे अंग्रेजी सैनिकों के छक्के छूट गए थे, लेकिन इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हो गई, और उनके विश्वासी सिपाही उनके द्वारा देकर बाबा गंगाधर जी की कुटिया में ले गए, और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी, तथा वहीं उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। वो अंग्रेजों के हाथ किसी भी सूरत में नहीं आए। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये उसका पूरा एंट्रेंस गेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से ऊपर बनाया हुआ पूरी बाइक के अंदर ले जाते हैं। तो आपको पार्क में देखने की अलाइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है वही बिठूर का किला, जिसके बारे में भी मैंने आपको बात की थी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे ये एंट्री गेट था, वहाँ से यहाँ तक ये आपकी एंट्री है। उसका यहाँ पे पार्किंग आगे ख़त्म हो जाती है, और ये है इसका मेन एंट्रेंस, और ये है यहीं से इनका मेन किले का पार्ट था। ये उस टाइम की उनकी तोप रखी हुई है, जो आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे काफी अच्छे से इसको बनाया गया है और यहाँ पे जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसी के पीछे यहाँ पे कानपुर का म्यूजियम है। हालांकि वहाँ पे मुझे वीडियो लेने की इजाजत नहीं है, बाकी मैं पूरे पार्क की आपको दिखा सकता हूँ, विजिट करा सकता हूँ। तो अभी हम यहाँ से सीधे चलेंगे अंदर और देखते हैं पार्क के अंदर और क्या क्या दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा पार्क का हिस्सा है, ये है यहाँ का संग्रहालय म्यूजियम। म्यूजियम के बाहर की तो हम फुटेज ले सकते हैं, अभी म्यूजियम के अंदर की फुटेज नहीं ले सकते। तो यहाँ से ये पूरा इसका पैसेज दिया गया है, ये पूरी पार्क है, वहाँ पे इसके झूले पड़े हुए हैं। यहाँ का पूरा आपको क्राइटेरिया गार्डन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इस तरीके से पूरा बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे फूल पत्ती तोड़ना मना है। ये पूरा जो कंट्रोल किया जाता है यह उत्तर प्रदेश का जो आपका डिपार्टमेंट है उसी के द्वारा देखा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप कॉटेज लेना चाहें तो आपको आगे कॉटेज भी यहाँ पर मिल जाते हैं। ये यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट गिवन है जो आप देख सकते हैं, ये सामने इनका रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे इनका एक रेस्टोरेंट गिवन है, यहाँ पर आप अपना लंच डिनर जो भी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे यह है इसकी पैडल बोट जो आपको देखने को आगे बोटिंग के लिए मिलेगी। वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में रिसेप्शन है, रेस्टोरेंट है और ओपन स्टेज भी है यहाँ पर। यहाँ पर रंगमंच के कार्यक्रम होते रहते हैं। ये इसका मेन सेंटर पार्क है, पार्ट है जिसको आप इजली देख सकते हो। ये काफी खूबसूरत बनाया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ लगभग 6-7 सालों के बाद आया हूँ, यहाँ पे मेरा आना हो नहीं पाता था। तो आज मैं खाली ये आपके विजिट के लिए आया हूँ कि मैं आपको आज कानपुर का एक हिस्टोरिकल प्लेस भी घुमा सकूँ, क्योंकि आज ही से मैं अपने इस न्यू चैनल की जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपसे मैं चाहूँगा कि आपका समर्थन मुझे पूरी तरीके से मिले। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी अतिथियों से अनुरोध है कि पार्क में भ्रमण करते समय मर्यादित आचरण का पालन करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कपल्स आते हैं जिनकी कुछ हरकतों से बाकी लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ करते थे। अभी मैं यहीं पे मैं आपको एक दिखाऊंगा जो वेल है, और ये वेल उस टाइम का है जिस समय यहाँ पर ये प्रॉपर एक किला हुआ करता था। यहाँ पर अक्सर रंगमंच के कार्यक्रम भी होते हैं, आसपास के जो कुछ बड़े लोग हैं वो शादियाँ भी यहाँ पे करने लगे हैं। यहाँ पे है योग एवं ध्यान केंद्र जिस रास्ते पर जा रहे हैं, और आगे है नौका विहार का पैसेज। यहाँ पे मुक्त काशी मंच भी है, यहाँ पर लोग अपने कोई भी रंगमंच के कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी इसी मंच के पीछे साइड पर ही वो कुआं है जो उस टाइम से मौजूद है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये कार्यक्रम होते रहते हैं। हालांकि देखते हैं कि वो वेल आज भी मौजूद ओपन है पब्लिक के लिए कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आया था तो यहाँ पे ये ओपन था। अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली कल कोई शादी ब्याह हुआ है या कोई मंच हुआ है, उसकी वजह से ही ये पूरा सजा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा स्टेज बनाया गया, यहाँ पे ओपन कार्यक्रम भी होते हैं। अब सीधे हम चलेंगे उस वेल के पास जिस वेल के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। अब पढ़ते हैं पहले हम इस कुएं का महत्व क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इस कुएं का महत्व क्या है। कुएं का महत्व, इस कुएं का निर्माण 1835 में बाजीराव पेशवा द्वारा कराया गया था। इस कुएं का उपयोग महल के पास स्थित अस्तबल के घोड़े की जल व्यवस्था हेतु किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा रहता था यहाँ, जिसका नाम सारंग था। ऐसा कहा जाता है सन 1857 ईस्वी में गदर में अंग्रेजों द्वारा महल पर आक्रमण किया गया, तब महल में मौजूद स्त्रियों व अंग्रेजों व बच्चों ने अंग्रेजों के हाथों में
अपमानित ना होकर कुएं में कूदकर अपना बलिदान दिया। ऐसी मान्यता है कि कुएं का पानी कभी सूखता नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ से काफ़ी हिस्सा बंद कर रखा है, बट फिर भी हम लोग लास्ट टाइम गए थे और इन्होंने काफ़ी, अब इन्होंने पूरा सब बंद कर रखा था कि कोई जाए ना। ये वो कुआं है जो आप देख सकते हैं। पहले हालांकि हम लोग जा चुके थे, बट अब पता नहीं जाने को अलाउ होगा कि नहीं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हिस्से में ये पूरे कांटे लगा रखे हैं, क्योंकि लोग यहाँ से जम करके आसानी से वहाँ चले जाते थे। ये वो वेल है जहाँ पर आपको अभी मैंने पूरा बताया है कि क्या क्या कंडीशन थी। तो ये ऐसा इन्होंने प्रॉपर बैन कर दिया। मे भी हो सकता है कुछ इंसिडेंट हुए हों इस बीच, बट अगर हम लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट मुझे ये देखना पड़ेगा कोई मुझे देख ना ले। चलिए मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि मैं आपको वहाँ तक पहुँचा सकूँ। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था मैं कुएं की फुटेज आपके लिए लाऊंगा। ये उसका पैसेज है और ये वो कुआं है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कुएं के अंदर का नज़ारा, काफ़ी कुआं गहरा और आज भी इसमें पानी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए आपको नीचे पानी दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें आपको अक्स दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी रिस्की है। यहाँ पर सारे डैमेज, यहाँ पर काफ़ी तार लगे हुए हैं, फिर भी मैं आपके लिए फुटेज लाया हूँ। तो आप इस चीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड ये मेरे लिए एक एप्रिसिएशन होगा जिसको मैं और आगे चल के बढ़ा सकूँगा और अपने चैनल को आपके लिए ऐसे ही ग्रो करता रहूँगा। यहाँ से हम ऊपर भी जाके इसके नज़ारे ले सकते हैं। यहाँ पे ये स्टेयर्स दिए गए हैं, ये वही स्टेयर्स के स्टाइल्स हैं जो अंग्रेज़ों ने अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रचलित किए थे। हालांकि यहाँ पे काफ़ी इसका हिस्सा टूटा हुआ है, फिर भी आई विल टेक रिस्क फॉर यू एंड गो द अपसाइड। तो यहाँ पे ये इसका तरीका है ऊपर जाने का। तो चलिए चलते हैं ऊपर और नज़ारे लेते हैं यहाँ से हम पूरे पार्क के। तो ये पैसे थे जहाँ से हम लोग पीछे जा सकते थे और दूसरा वो जहाँ से भी हम लोग गए थे। तो यहीं पर सब इनके वो जो राजा का पूरा तख्त था वो यहीं पर था। भारत के संग्राम में ये तीर्थ स्थान ऐतिहासिक स्थान पर 1857 में आया था, क्योंकि जब पहली क्रांति हुई थी और उसी के लिए यहाँ पर ये पूरी भूमि को तैयार किया गया है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर चल के देखते हैं। हालांकि इन्होंने तार लगा दिए कि ऊपर जाना अलाउ नहीं है। चलिए वापस चलते हैं हम लोग। ये इसके नीचे जाने का पैसेज था यहाँ पे जो इन्होंने बंद कर रखा है। मतलब काम यहाँ पे आप देख लिए, एक ऐसी ऐतिहासिक प्लेस जिसका मिसयूज किया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा। मतलब सिर्फ अब ये शादी ब्याह का एक मनोरंजन का केंद्र रह गया है। देख सकते हैं किस तरीके से गद बनाई गई है इस जगह की। इवन कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, सब जगह इसको मेंशन किया गया है, बट आप कंडीशन देख सकते हैं इतने बड़े पार्क की क्या की गई है। अब यहाँ चलते हैं हम लोग सेल्फी पॉइंट पर। और उन्होंने ही इनको सारी हुनर सिखाए थे, चाहे वो तलवारबाजी हो चाहे वो युद्ध हो। आप जो ये स्टैचू देख रहे हैं ये 1857 की क्रांति के नाना साहब दूधू पंत पेशवा का है, मतलब जो यहाँ के मेन आपके पेशवा थे उनके बेटे, मतलब जिनको रानी लक्ष्मीबाई अपना भाई मानती थी। और इन्होंने और रानी लक्ष्मीबाई दोनों ने ही तात्या टोपे जी से अपनी तीर के शिक्षा ग्रहण की थी। और यह पूरा हिस्सा देख सकते हैं। अब हम चलते हैं बैक साइड ऑफ पार्क पे। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में पूरा दिखा दूं कि आप इसको आसानी से पढ़ सकें कि इसमें क्या क्या दिया गया है। अब हम चलते हैं आगे पार्क की तरफ।
ये आप देख सकते हैं इसका ये पूरा बैक साइड है और ये काफ़ी यहाँ पे कॉटेजेस भी हैं। चलिए उधर से चलते हैं। ये यहाँ पे एसी कॉटेजेस हैं जिसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ता है और दिन भर के लिए आप इसको ले सकते हैं। अब इसके चार्जेस क्या हैं वो मुझे पता कर नहीं पता है। और आप देख सकते हैं इसकी भी काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, काफ़ी डेकोरेटिव है। ये सारी चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं और दिन भर आप इसे भी यहाँ पर ले सकते हैं। ये हैं 1857 की क्रांति के रणनीतिकार अजीमुल्ला खान, इनका एक जीवन परिचय आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं काफी कॉटेज यहाँ पर बनाए गए हैं और ये सब इसका भी है तो इन्होंने बंद कर रखा है पीछे का हिस्सा है इसका, क्योंकि एक बहुत बड़ा किला था जिसकी अब आप गद देख सकते हैं क्या बना दी गई है। मतलब सरकार सो रही है इस चीज़ को। जैसे हिस्टोरिकल चीज़ों को अगर आप एब्रॉड में देखेंगे तो काफ़ी बड़े लेवल पर उसको क्योर किया जाता है, हिस्टोरिकल चीज़ों की केयर की जाती है, बट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर सबको अपनी प्रॉफिट देखना है किस तरीके से हम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से बेंचेस वगैरह सब टूटी हुई हैं, लेकिन कोई इसकी देख रेख करने वाला नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पे बोटिंग की तरफ। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, उसका कुछ चार्ज है बोट का और ये पेडेस्ट्रियल बोटिंग है। उससे पहले आते हैं हम लोग तात्या टोपे जी की तरफ, जिनका एक सबसे ज़्यादा मेन रोल था, जिन्होंने सबको शिक्षा प्रदान की थी। ये हैं तात्या टोपे जी, जिनको अक्सर आपने झांसी की रानी में भी देखा होगा और ये उनका जीवन परिचय। यहाँ पे बोटिंग है और बोटिंग के लिए आपको कुछ बोट का चार्ज पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। और ये पेडेस्ट्रियल बोटिंग है तो मिनिमम दो लोग पे की नीड आपको होगी। वहाँ पर एक और इस तरीके से ब्रिज बना हुआ है और उसको अभी इन्होंने फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर कपल जाए। और ये यहाँ का बोटिंग पॉइंट है जो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा आगे तक हिस्सा गया है, वहाँ से पूरा पानी नीचे आता है और इस तरीके से पूरी लोकेशन दी गई है। ये पूरी यहाँ पर आप पूरे पार्क की बोटिंग कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे बोटिंग के लिए कुछ पे किया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको अगर बोटिंग करनी है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। आई थिंक 180 रुपीज़ के नियर अबाउट इसके कुछ चार्ज हैं सिंगल बोट के। और यहाँ पे ये बोट्स हैं जो टूट गई हैं और ख़राब पड़ी हुई हैं, समय से मौजूदा दो ही बोट इनके पास हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं सीधे अपने म्यूज़ियम की तरफ। हालांकि मुझे म्यूज़ियम के अंदर अलाउ नहीं है, बट फिर भी आई विल ट्राई, क्योंकि मैं वहाँ पे ट्राईपॉड का यूज़ अपना नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं मोबाइल को अपनी जेब में रखूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से हम वहाँ के फुटेज कवर करते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं। अगर वो बाहर आ जाएंगे तो लोग वहाँ आना जल्दी प्रेफर नहीं करेंगे। फिर भी हम चलते हैं, देखते हैं। सीधे चलते हैं म्यूज़ियम के गेट की तरफ।
हालांकि मुझे पहले ही रोक दिया जाएगा आई नो, क्योंकि मैं ट्राइपॉड लिया हुआ हूँ तो मुझे उससे पहले ही अपने कैमरे को ऑफ करके जेब में रखना होगा, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा आपके लिए फुटेज को कवर कर सकूँ। तो यहाँ पे बंदर महाराज टहल घूम रहे हैं और अब हम सीधे चलते हैं संग्रहालय की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यह संग्रहालय का गेट, चलिए हम सीधे अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पर जूते चप्पल बाहर ही हमें उतारना है और बिना जूते चप्पलों के साथ हम अंदर नहीं जा सकते। और यहाँ की जो टाइमिंग है वो आप देख सकते हैं, म्यूज़ियम मंडे को क्लोज रहेगा और बाकी दिनों में जो उसकी टाइमिंग है समर में 9 to 6 है और विंटर में ये 9 to 5 है। ये कानपुर का एक काफ़ी बड़ा गौरव है जिसके बारे में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड सारी बातें बताई गई हैं, जिसका जो अनावरण किया गया था लोकार्पण श्री ओम प्रकाश द्वारा किया गया था, जो उत्तर प्रदेश के एक पर्यटन मंत्री थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो फोटोग्राफी वो अलाउड नहीं है, सुबह समय अंदर कोई भी फोटोग्राफी नहीं ले पाया, तो इसके लिए अब कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो कोई भी यहाँ पे चांसेस नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर आप चाहें तो क्लोज कैमराज या बटन कैमराज की हेल्प से ही आप कर पाएंगे। हालांकि मैंने कोशिश की बट एक पर्सन मेरे आसपास लगा हुआ था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही कैमरा लेकर आया था तो उसे लगा था शायद मैं यहाँ पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, तो एक बंदा मेरे आसपास चल ही रहा था, इसकी वजह से मैंने कोई भी फुटेज क्लियर नहीं ले पाया हूँ। बट सून नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई फॉर यू। ये वो हिस्टोरिकल तोप है जो उस टाइम पे यूज़ करी गई थी, इसको आप देख सकते हैं हर तरफ से, उस टाइम पे 1857 के टाइम की ये तोप है। यहाँ से पीछे से इसमें आग लगाई जाती थी और आगे से इसमें बारूद भरा जाता था। तो ये उस टाइम के कुछ हिस्टोरिकल पीसेस हैं। ये यहाँ पर जब तक ये आपका पार्क नहीं बना था, ये पार्क यहाँ नहीं बना था तब तक यहाँ की कंडीशन ये थी कि ये पूरा एक वीरान एरिया पड़ा हुआ था। और ये जो कानपुर का म्यूज़ियम है ये आपके मालोर स्थित फूलबाग में था, लेकिन बाद में जैसे ही यहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है और ये कंप्लीट हो जाता है तब यहाँ पे उसको वापस बना दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये पूल बने हुए थे इनको क्यारीज में कन्वर्ट किया जा रहा है, दोनों साइड के ये पूल थे इनको अब क्यारी में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्यारीज बन गई हैं। सुन हो सकता है अगली बार जब हम लोग आएँ तो यहाँ पे आपको पेड़ लगे हुए मिले। चलिए अब हम चलते हैं अपने ही बेठूर की एक सेकंड लोकेशन पे, जो है यहाँ का ध्रुव टीला। चलिए चलते हैं।